नया चैनल के साथ फिर मैं हूँ रोबोट छोड़ी। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ पीआईबी कॉलोनी में। आज विजिट करा रहे हैं कराची के वो मशहूर बर्गर जो तैयार किए जाते हैं। 100 बर्गर, 100 बर्गर के अलावा नहीं तैयार किया जाता है। तैयार यहाँ पे 100 की लाइन होती है और 100 ही बर्गर तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार हो रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, लोग कितने दीवाने हैं इस बर्गर के, तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो 100 बर्गर स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सेठ की इतनी उम्र नहीं है लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम वो कैसे जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से लगा रहे हैं आप? ये 27 साल हो। 27 साल से। 27 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? अरे दादा लगाते थे। दादा लगाते थे, दादा के बाद कौन आया? दादा के बाद चाचू आए, अब्बू आए, फिर हम लोग की बारी आ गई। अच्छा, तो अब्बू आपके साथ कौन होता है? हमारे साथ चाचू होते हैं। चाचू होते हैं। तो ये 100 बर्गर आप तैयार कर लेते हैं? अच्छा, तो आपकी तो पढ़ने की उम्र है और ये बर्गर पढ़ाई से ये बर्गर में कैसे आ गए? पढ़ भी रहे साथ साथ, काम भी कर रहे हैं। तो ये कितने बजे आप लगाते हैं? सुबह 11 से 5 बजे तक, फजर तक लगा रहे हैं। और ये 100 बर्गर तैयार, 100 से मतलब एक दो ग्राहक नहीं आते, मतलब 100 ही आते हैं? ग्राहक तो जितने भी लें वो तो ग्राहक के ऊपर है ना। अच्छा, हम तो किसी को नहीं बोलेंगे क्या। लेकिन मैंने यहाँ देखा एक बर्गर तो तैयार ही नहीं हो रहा, लगातार बहुत सारे बर्गर तैयार हो रहे हैं। तो सबके होते हैं ना एक साथ। अच्छा, तो ऐसा नहीं है ना। एक एक ऐसे मसाले हैं, कौन से ऐसे जायका है जो बर्गर इतने दीवाने हैं लोग? पता नहीं है, ये तो बड़ों को पता। आपको कितना टाइम हो? 27 साल हो। 27 साल होगा। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 14 साल। 14 साल की उम्र में कितने बर्गर तैयार कर लेते हो एक दिन में? अंदाजा नहीं है। तो अंदाजा होगा अभी कितने तैयार करके दे दिए लोग? अभी अंदाजा ही नहीं है ना हमारे को। अंदाजा नहीं होता कितने बर्गर तैयार किए लोग। लाइक बर्गर के साथ क्या दे रहे हैं आप? नहीं होती है, केचप मायोनेज होती है और प्याज सलाद होती है। कबाब किस चीज का है? दाल आलू का। दाल आलू आपका होममेड है जी। कबाब में कौन से ऐसे मसाले हैं? कबाब में जो मसाले होते हैं गरम मसाला होता है, मिर्च होती है, काली मिर्च होती है। आप कितने शौकीन है? तो आप ही अभी तो बर्गर खाने वाले बच्चे हैं। दिल भर गया हमारा, दिल भर गया, गिरा कर। अच्छा, तो बड़ा बना के दिल 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 भर गया। प्राइस क्या है? अंडे वाला 100 रुपए का और सादा 70 रुपए। दादा, बच्चे का कहना ये है कि दादा के टाइम से स्टार्ट हुआ था, दादा पूरी जनरेशन चल रही है ना, दादा फिर अब्बा फिर चाचू फिर पोता, तो ये सब इनकी जनरेशन चल रही है। काम हो रहा है, 100 बर्गर तैयार हो रहे हैं। कितने आपके ठेले हैं ये, मतलब स्टॉल कितने? दो ही है। और दोनों पे इसी तरह का रश होता है? लोग कहाँ कहाँ से खाने आते हैं इस बर्गर को? लोग तो दूर दूर से आते हैं, डिफेंस से भी आते हैं, नाजमाबाद से भी आते हैं, बादराबाद से भी आते हैं। जनाजे दिखाते हैं आपको खूबसूरत बर्गर के मनाजिर और लोगों को से भी बात करते हैं और फिर टेस्ट भी करके दिखाएंगे कैसा है, कैसा होगा गफ्फार टेस्टी बर्गर वो भी दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। तो जी नाजिन, गफ्फार बर्गर आ चुका है और मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ कि कैसा इसका जायका है। लोग तो इतने दीवाने हैं, चर्चे हैं 100 बर्गर के, तो 100 बर्गर मैं भी टेस्ट करूंगी कैसा है इसका जायका। आइए। जिस तरह लोग दीवाने हैं जायका भी उसी तरह का है। बच्चे के हाथ में बहुत ही अच्छा जायका है जो बच्चा इसको तैयार कर रहा है और वन बाय वन लोग इसको खा रहे हैं और मैंने भी खाया तो मुझे भी अच्छा लगा। आप लोगों ने खाना है तो बीआईबी कॉलोनी में गफ्फार बर्गर हाउस में आना है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सुनो छोटी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेली नया।